बिहार की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव खत्म हो गया है। वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला क्या होगा इसका ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। लेकिन इस बीच दावों का दौर भी शुरू हो गया। महागठबंधन ने दावा किया कि दोनों सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी को जेडीयू पर भरोसा है। उसे भरोसा है कि जेडीयू आरजेडी कैंडिडेट को जीतने नहीं देगी। मतदान खत्म, फैसले का इंतजार, आरजेडी को जीत का है यकीन, बीजेपी को है काम पर भरोसा। दोनों सीटों पर लोकतंत्र का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन परिणाम आना भी बाकी है, जिसका इंतजार सभी को है। लेकिन इस इंतजार की घड़ी के बीच में दावों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी को पक्का यकीन है कि जनता ने लालटेन जलाने का फैसला किया है। परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों में तब्दील होगी। उन टुकड़ों को चुनना भाजपा नेताओं के बस में नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को अपने काम पर भरोसा है। उसे भरोसा है कि बीजेपी के किए गए कामों पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। साथ ही एक और दावा बीजेपी ने किया है जो चौंकाने वाला है, वो ये कि जेडीयू ही आरजेडी को जीतने नहीं देगी। चूंकि जदयू खुदे हरवा रहा है, मोकामा सीट और गोपालगंज सीट दोनों के, कहीं इनका फुल मेजोरिटी खुदे नहीं आ जाए, इसलिए हम लोग अपने विकास पे, हम लोग अपने विकासोन्मुखी काम पे, नेतृत्व पे और बिहार के जनता पर विश्वास है। पर जेडीयू बीजेपी के दावों को खारिज कर रही है। जेडीयू की माने तो परिणाम आने दीजिए, बीजेपी को हकीकत से वास्ता हो जाएगा। और इस रिजल्ट से उनका हौसला पस्त हो जाएगा और ये फाइनल है कि दोनों सीट जो है महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। तो दावों को सुनते देखते रहिए, यकीन तो जनता के फैसले पर कीजिए जो 6 नवंबर को घोषित होगा। तब पता चलेगा कि किसके दावे में दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।